सिद्धेश्वर मोनाटे इंदिरा गांधी जीतम सिद्धेश्वर में हारी बीतम पूरे बाजार जिन्हें जीते चाय पट्टी भी ने हराया में 10 तरह का मसाला पड़ा है अलग अलग जिसमें में प्राइटी में जिसका मसाला है वे है लौंग और हींग। शहर का खाना है ना टोटल यही खाते हैं, घर पे ही यही मंगाते हैं और शाम को घर का खाना खाते हैं। हमारी दुकान अटे लगभग लारने 50 साल है। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। क्लास गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप रो गुणगुणो स्वागत है। आज आप ठीक शहर रमाइना उड़ा शहर रमाइना आप देख सको चाय पट्टी रमाइना आप लारे भीड़ है जिकी भी देख सको काफी संख्या रमाइना भीड़ है जिकी लागुड़ी है। समोसा कचौड़ी और दही बड़ा खा रहे सुबह सुबह रहा आनंद है जी को ले रहे हैं। आपस आगे शहर वासी अभी हम आप बात करांगे अभी और कहीं कुछ कहना है दिन रहे रूटीन रहे बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। आप देख सका सुबह सुबह चाय पट्टी रमाइना भीड़ है जिकी बहुत संख्या रमाइने लागे फिर कई कुछ रीजन है। देखो 6 बजे शुरू जो अपन कचौड़ी समोसा मिर्ची ब्रेड कोई नाश्तो है सुबह शाम तक और राजस्थान बीकानेर प्रसिद्ध नाश्ता हो ही है। आप दिन री शुरुआत री बात करो तो कचौड़ी समोसा से हुए। कचौड़ी समोसा शुरुआत हुए। आप कितना टाइम से हटा रहे हो कचौड़ी समोसा? माने करीब 27-28 साल हो गया। मैं भी हलवाई रो काम करा हमारी चाय पट्टी है और अटी बारी उठ बैठे और 27 सालों बाटे चाय पट्टी में बैठ रहे। शहर रमाइन आप देख सका और भी जगह घनी है भी जगह कचौड़ी समोसा वगैरह नमकीन बने जगह ने लोग ज्यादा पसंद किया। सबसे ज्यादा चाय पट्टी में आज चाय पट्टी बहुत पुरानी है और सबसे ज्यादा आई है चाय पट्टी में। कोई क्वालिटी में या कोई शुद्धता रमाइन कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है जितनी बीकानेर एकदम मानी जानी नमकीन है बाबा अठी मिली। आप कितना टाइम से आ रहे हो भाई साहब? मैं तो उठने बैठना ठीक है अठी अपनी दुकान है। कितना साल से आपकी दुकान है? 15 साल से मैं सर्विस में हूँ। 15 साल से सर्विस कर रही हूँ। और भी आपस आ गया अठे ग्रैक है जिका उड़ा है सुबह सुबह रहा कचौड़ी समोसा खा रहा आनंद है जिको ले रहा है भी आप बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप किस जगह आए हो? अठे मैं शीतला गेट पट बाजार। रोजीना हो आप अठे खाने वास्ते? रोजीना। क्या आप स्वाद री बात करा तो स्वाद क्या कुछ है? एक नंबर 101%। तो अबार आपस आ गया बाबू जी है भी हम आप बात करांगा भी और कहीं कुछ कहना है मार्केट के बारे में। नमस्कार। चाय पट्टी पुराना नाम ही घी पट्टी हो फिर बाद में मूज पट्टी लोहा पट्टी रही फिर बाद में आज चाय पट्टी बनी। अठे मेज वारिश हो बहुत पुराना सौदो है करतो और बहुत विश्वास ही थी राजौरी टाइम से सौदो होता और आज भी विश्वास माते सौदो होते। अब मोबाइल ऑनलाइन आए गए जाना चाय पट्टी स्वरूप थोड़ा चेंज हो गया। बाकी अठे पहला जिया मतलब नाम सट्टा बाजार भी और सट्टा बाजार तो अठे चाय पट्टी माने सट्टा होया कर सट्टू जैसा अठे भेड़ा होता सब जबान से होता सब सत्य कोई मोबाइल लिखा पट्टी सब जबानी होती और विश्वास ही चीज थी। 1200 अठे होता और सन सिद्धेश्वर मन अठे इंदिरा गांधी जीतम सिद्धेश्वर में हारी बीतम पूरे बाजार जिन्हें जीते चाय पट्टी भी ने हरा और पूरे बीबीसी ने भी ने कवरेज करी सट्टा बाजार इस चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हमेशा पूरे हिंदुस्तान में मैंने चाय पट्टी चर्चा हुए इंटरनेशनल लेवल में सट्टे चुनाव रे सट्टे ने ले और बारिश से चुनावी माहौल रे मायने आठ रंगत है जी की सबू ज्यादा हो और अबे जो रंगत खत्म होगी धीरे धीरे मोबाइल रे आएगा नहीं जाना अठे रंगत बहुत बढ़िया रहती। राजनीति की बात करा तो सबू पहला राजनीति अठे से स्टार्ट होगी अठे सब बुद्धि हर तरह आदमी आऊं तो अठे बड़ा से बड़ा बुद्धिजीवी जज वकील साहित्यकार लेखक खूब अठे भेड़ा होता रविवार ने सब परिचर्चा होती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठता। अब धीरे धीरे सारा स्वरूप चेंज हो गया चाय पट्टी रो बहुत बढ़िया माहौल उनको चाय पट्टी जी पूरे लोग विश्वास मानते के नहीं यार। बात करा तो बाबूजी और नमकीन मार्केट कद सुबह और नमकीन मार्केट बीच में सत्ता बाजार चाय पट्टी बड़ी बीच में धीरे धीरे विस्तार होता गया लोग रविवार ने सब भेड़ा होता सब चाय पीणी धीरे धीरे पूरे बाजार है मैंने चाय पहला चाय की दुकान ज्यादा थी विवाद धीरे धीरे नमकीन की दुकान अभी विस्तार होता रहे पहले एक आधी दुकान थी अब 20 दुकान खुल गई। आप मार्केट रे मैंने बात करा तो बार नमकीन रे मैंने सब ज्यादा फेमस दुकान है जी की अठे सब ग्राहक जगह रेगुलर जगह आप फिक्स बिल्कुल कही है सब आप स्वाद के हिसाब से सब बढ़िया अठे प्योर चीज बड़े सब मसाला तेल मसाला सब शुद्ध है चाय पट्टी आई पहचान है। अब बात करा तो मसाला कहीं कहीं मैंने काम में लिया मसाला जी में मोट मूंगफली तेल है बाकी सब जगह खोटा तेल है रेपसीड पम ऑयल है अठे आज भी मूंगफली तेलो काम हुए शुद्ध मसाला मिर्च मसाला बेसवास तभी गरम मसाला लौंग जायफल दावत्री ऐसा बटे यूज ले। आप बात करा तो शुद्धता और पूरा ध्यान है जी को रखा जाए खाने पीने चीजें सब शुद्धता ही है। चाय पट्टी फेमस है।
आप कितना साल स्वर्ण मार्केट में आ रहे हो? हमारी दुकान अटे लगभग लारने 50 साल में, 25 साल तक हमारा कोल्ड स्टोर तो 15 साल से मिठाई का काम, नमकीन का काम भी है। अब आप रो काम धंधो कौन सांभे? वही सब लड़को है, बाकी खुला आदमी अटे लेबर लगे, हलवाई मंडी लगे अटे, पूरी बियाजी की मंडी लगे, खुला काम करने आए, गाँव सवेरा काम करने, सब लेबर अठी बैठे। आ शेरी रंगत है, बुजुर्ग माही तेजी का बैठा है, चाय पी रहा है, आनंद है जी को ले रहा है, शेर है, मैंने हताई वगैरह कर रहा है। तो अब आप देख सका, एक भाई साहब है जी का पराठा है जी का बना रहा है, पराठा और साइज है जी को भी आप देख सको, बहुत बड़ो साइज मैंने पराठा है जी को तैयार हो रही है। नमस्कार भैया, मेरा नाम शिव कुमार है, ये आलू का पराठा है, दाल का पराठा है, पनीर का पराठा है, और इसके साथ में गट्टों की सब्जी है और मिर्ची का अचार है। मैं 16 साल से पराठा बना रहा हूँ यहाँ, और मेरे पिताजी है वो 40 साल से ये दुकान है, अपनी शॉप है। आप बात करा तो पराठे रो आप साइज भी काफी बड़ो है जी को राग रहे हो, सागे सागे आप कहीं मतलब अटे बनो आप वैरायटी अपन खाना सिकली वैरायटी है नमकीन रवाई ने, मेरे पिताजी है वो 50 साल से कारीगर है, यही काम करते हैं, और अपने पास में आलू के पराठे है, दाल के पराठे है, पनीर के पराठे है, लच्छा पराठे। मैंने बात करा तो आप पराठे रमाइने मतलब तेल वगैरह काम में लो जी को किसो ले आप? शुद्ध मूंगफली तेल है और गट्टोरी सब्जी है, इसके अंदर सारे मसाले डाले हुए हैं जो आयुर्वेदिक मसाले होते हैं ना वो डाले हुए। अब आप शेर रहे मैंने नामचीन दुकान जूनिया महाराज की कचौड़ी बीज के अब आप आउडा भी यार ओनर है, आप खाने अडे भी हूँ, आप बात करांगा कितना साल से यार दुकान है अडे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप बात करा तो आप जहाँ पकौड़ी वगैरह बना रही हो तैयार करूड़ी है, मतलब मसाले की बात करा तो कहीं कुछ मसालो है जी को काम मिली? कचौड़ी में मोठ मोकर जिको पहला भेजो, फिर बाद में पीसो, पीसर फिर में 10 तरह का मसाला पड़ा है अलग अलग, जो मैं प्राइटी में जो मसाला है वे है लौंग और हिंग। लौंग और हिंग आयुर्वेद में भी आप गैस नाशक चीज है, हिंग और लौंग की प्रचुर मात्रा में उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी करियो दवा। आप भी मसाले में सबसे ज्यादा प्राइटी जी की है हिंगरी और लौंग री रखो, ताकि लोगों ने इधर खाने से एसिडिटी नहीं हुए। और आज 50 साल हो गया अपनी दुकान ने, लगातार लोग 40 साल से कचौड़ी पकौड़ी ऐसा 20 ग्रेक आज भी है जगह पिछले 40 सालों से लगातार खाए रहे। अब बात करा तो खाने रे मैंने पूरा स्वास्थ्य रे बारे में पूरा ध्यान है जी को रखे जाए, और आप भीड़ भी है जी की मार्केट रे मैंने देख सको, सुबह 9 बजे हूँ लेर 2 बजे तक अठे लगातार आई भीड़ आपने देखने मिल सी, और इस बाद में दुकानदार आप अठे सु काम काज कर एकदम फ्री और आपने घरे है जी का चले जाओ। तो मार्केट रे मैंने आप एक भाई साहब और जुड़े आपस आगे भी यार, दुकान काफी पुरानी दुकान है भी हूँ यहाँ पर बात करांगा भी यार कहीं कुछ कहना है मार्केट रे बारे में। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार। आप ये कितना साल से पुरानी दुकान है? मैं 50 साल से ये नमकीन का ही काम करता हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, यही पढ़ाई की, और दाल की कचौड़ी, दाल की पकौड़ी, समोसे, मिर्ची बड़े, ब्रेड बड़े, आलू के परोठे, दाल के, पनीर के, और गट्टों की सब्जी बेस्ट सुपर हिट। बात करा तो सबसे पहला आप कई चीज स्टार्टिंग करी? सबसे पहला कचौड़ी पकौड़ी, उसके बाद में परोठे रोटी ये चालू, और 50 साल से मेरा यही काम है, तो मेरे 3 बजे उठता हूँ रात को 9 बजे। आप सुबह 3 बजे उठो और शाम ने 9 बजे तक वो काम है जी को करो। आप मार्केट में आप ज्यादा बात करा तो भीड़ का ही टाइम रहे? भीड़ सुबह सुबह रहे, ऐसे तो दिन भर रहती है, सुबह सुबह ज्यादा रहती है। अच्छा, सुबह सुबह जी का काम काज मत जाओ ना जी का नाश्तो कर अठे सु जाओ बाद में। टोटल यहाँ शहर का खाना है ना, टोटल यहाँ ही खाते है, घर पे ही यही मंगाते है, और शाम को घर का खाना खाते हैं। तो आज आप शेर रे मैंने आवड़ा और चाय पट्टी रे मैंने पूरा आपने विस्तार सु वीडियो है जी को आपने सामने शेयर करियो है, तो आपने किया कुछ वो वीडियो लगियो आपकी राय है जी की कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। मेरे साथ कैमरा मैन गजानंद, मैं भागीरथ, और आप देख रहे हैं जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप प्यार है जी को निरंतर ये बनाया रखा, और अभी तक आप चैनल है जी को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, खन्ने जी को घंटों दिख रही है वो घंटों भी प्रेस कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।